और एक और बड़ी अपडेट आप तक किसी बीच पहुंचाते हैं। होली पर उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। होली पर ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को ये भत्ता दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, होली को लेकर ये तोहफा राज्य सरकार का कर्मचारियों को दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि 1250 से 1500 रुपए तक का जो प्रोत्साहन भत्ता है वो कर्मचारियों को दिया जाएगा। 4 मार्च से 14 मार्च तक ड्यूटी करने पर ये भत्ता मिलेगा। तो होली पर रोडवेज कर्मचारियों को राज्य सरकार की सौगात, जहां पर होली पर ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता सरकार देगी। 4 मार्च से 14 मार्च तक ड्यूटी करने पर यह प्रोत्साहन भत्ता कर्मचारियों को मिलेगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि 1250 से लेकर 1500 रुपए तक का जो प्रोत्साहन भत्ता है वो होली के समय पर भी अपनी ड्यूटी निभाने पर राज्य सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर रोडवेज कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की यह सौगात, जहां पर होली पर ड्यूटी करने पर राज्य सरकार प्रोत्साहन भत्ता कर्मचारियों को देगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि 4 मार्च से लेकर 14 मार्च तक जो भी कर्मचारी ड्यूटी करेंगे उन सभी को ये भत्ता जो है वो दिया जाएगा। 1250 से लेकर 1500 रुपये तक का प्रोत्साहन भत्ता जो कि राज्य सरकार की तरफ से रोडवेज कर्मचारियों को होली के समय पर ड्यूटी देने के लिए दिया जाएगा। तो रोडवेज कर्मचारियों के लिए होली पर राज्य सरकार की सौगात है, जहां पर आपको बता दें कि होली के समय पर रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से जिन कर्मचारियों की तरफ से ड्यूटी की जाएगी उन सभी को राज्य सरकार की तरफ से ये प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो ज्ञानेंद्र, होली पर राज्य सरकार की बड़ी सौगात रोडवेज कर्मचारियों के लिए, होली पर ड्यूटी यदि कर्मचारी करते हैं तो उनको प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा, क्या कुछ जानकारी है? राज्य सरकार की तरफ से जो रोडवेज कर्मचारी हैं उनको ये प्रोत्साहन भत्ता देने का ऐलान किया गया है। तकरीबन 5000 ऐसे जो रोडवेज कर्मचारी हैं उनको ये भत्ता मिलेगा। और ऐसे में सरकार की तरफ से होली को लेके ये कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। खासतौर पे देखा जाए त्योहारों के सीजन में यात्रियों का आवागमन जो है सबसे अधिक होता है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से कर्मचारियों को कहीं ना कहीं इस तरह की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। और खास करके इसके तहत अगर 4 मार्च से 14 मार्च के बीच में जो कर्मचारी विभिन्न पदों पे जो तैनात हैं, चाहे वो चालक हैं, परिचालक हैं या अन्य तरह के कामों में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं रोडवेज में, उनको कहीं ना कहीं इससे जोड़ा गया है। और ऐसे में अगर वो अवकाश नहीं लेते हैं 10 दिनों तक, तो निर्धारित जो लक्ष्य रखे गए हैं इनका उनके अनुरूप 1250 से लेके 1500 रुपए तक का जो प्रोत्साहन भत्ता है वो उनको दिया जाएगा। खासतौर पे देखा जाए तो प्रदेश के अंदर जो कर्मचारी हैं रोडवेज के वो इसका लाभ उठा सकते हैं। और ऐसे में जरूरी भी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो त्योहारों के सीजन में कहीं ना कहीं यात्रियों का आवागमन बढ़ता है, तो ऐसे में कई बार दिक्कतें होती हैं कर्मचारियों की। और अगर कर्मचारियों को कम छुट्टी अवधि में लें तो परेशानियों का सामना जो यात्री हैं उनको नहीं करना पड़ेगा और समय रहते उनको वाहन मिलते रहेंगे। तो ऐसे में एक प्रोत्साहन राशि है जो इनके काम करने पे सरकार की तरफ से इनको दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और इस प्रोत्साहन से कहीं ना कहीं कर्मचारियों में भी खुशी होगी कि होली के त्यौहार पर कहीं ना कहीं उनके लिए सरकार की तरफ से ये सौगात है। तो राज्य के कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, राज्य के कर्मचारी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सरकार का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में देखेंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो छुट्टियां हैं वो काफी कम कर दी जाती हैं और त्योहारी सीजन में जो परिवहन विभाग है उनके कर्मचारियों को छुट्टियां नहीं दी जाती, क्योंकि यही ऐसा वक्त होता है जो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग पीछे होता है। और ऐसे में जिस तरीके से सरकार की तरफ से उनकी भावनाओं का कदर करते हुए जिस तरीके से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, तो इस बात की जो खुशी है वो उनके अंदर देखी जा रही है। बिल्कुल, तो ये एक अच्छा प्रयास सरकार का रोडवेज कर्मचारियों के लिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।